नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सुविद्या पे। दोस्तों आपको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नवरात्रा जो है वो क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या क्या धारणाएं हैं और मना तो लिया जाता है और कब से ये मनाना जो है वो आरंभ हो गया। तो आज हम जस्ट इस बात पे बात करेंगे कि क्यों नवरात्रा मनाया जाता है। उससे पहले दोस्तों आपको एक और जानकारी दे देती हूँ, हमारा एक चैनल और है जो कि है चारू चौधरी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर करूँगी। उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कई सारी एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो हमने अभी नया चैनल बनाया है वहाँ पे भी डालने स्टार्ट कर दिए और लाइव क्लासेस भी ली जाती हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मेन बात है हमारी कि नवरात्रा क्यों मनाया जाता है। तो जितने भी हमारे वीडियो को वॉच करने वाले हैं उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रा पर्व की। नवरात्रा को पर्व कहा जाता है और पर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इतने धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्साहित लोग होते हैं नवरात्रा पर्व में। ये 9 दिन का जो समूह है, 9 दिन का समूह आपने देखा होगा, द्विगु समास को कहा जाता है, जहाँ पर संख्या आ जाती है। तो ये नवरात्रा जो है 9 दिन तक मनाया जाता है और इसके पीछे कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं, इसको मनाने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि कई सारे जो दर्शक हैं वो मनाते हैं। मैं जानती हूँ हमारे भारत में, तो कम से कम मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि अधिकांशतः घरों में दुर्गा पूजा जो है वो 9 दिनों तक की जाती है। इन 9 दिनों में गरबे होते हैं, लड़कियाँ जो हैं वो सज धज के बिल्कुल गरबे में पूरा आनंद लेती हैं, लड़के भी दोनों ही लेते हैं आजकल। तो यहाँ पर ये सब तो हम करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है और कब से ये मनाना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं तो ऐसा देखती क्योंकि मैं जब से हुई हूँ तब से देखती हूँ कि ये नवरात्रा जो है वो मनाए जाते हैं बड़े धूमधाम से, दिन में पूजा होती है, कई लोग व्रत रखते हैं 9 दिन, ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं 9 दिन तक के, और फिर क्या होता है शाम के टाइम पे गरबा होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। तो ये सब के पीछे क्या धारणा है, क्या कहानी है, वो हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहली जो कहानी प्रचलित है नवरात्रा को मनाने के पीछे वो ये है कि एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वो महिषासुर जो था उसने क्या किया था, एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो कभी भी देवताओं से पराजित नहीं होगा। अब ये वरदान पाते ही, क्योंकि उसने बहुत तपस्या करी, वरदान भी ले लिया कि चलो ये जो है कभी भी पराजित नहीं होगा। अब जब उसको पता चल गया कि मुझे ये वरदान मिल चुका है कि मैं कभी पराजित नहीं हो सकता हूँ, फिर उसने क्या किया, उत्पात मचाने शुरू किए, बड़े देवताओं को परेशान करता था और प्रताड़ित करता था। तो ये सब देख देख के देवता जो थे वो बहुत घबराने लगे, और देखिए इतने सारे देवता थे परंतु वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर क्या हुआ, जब महिषासुर का जो आतंक था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, फिर देवता जो थे जब सहन करना बिल्कुल मुश्किल हो गया, तब ये डिसाइड किया गया कि एक काली माँ का जो रूप है वो रचा जाएगा, और वो क्या करेगी, जो दुर्गा माँ है वो क्या करेगी, वो उस महिषासुर का अंत करेंगी। तो ये जो संग्राम था महिषासुर और दुर्गा माँ का, ये कितने दिन चला, 9 दिन तक चला, और 9 दिन तक ये संग्राम चला, युद्ध चला तब ही से, और अंत में तो जैसा आप जानते ही हैं कि जो देवी माँ है उन्होंने विजय प्राप्त करी, महिषासुर का अंत हो गया। अभी तब से कहा जाता है, क्योंकि 9 दिन तक ये युद्ध चला था इसीलिए, और अंत में जो देवी माँ है वो विजयी हुई, इसीलिए ये 9 दिन तक का जो दिवस है वो व्रत रखा जाता है माता के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए माता को, और अंत में जैसे कि माता की विजय होती है। तो ये जो कहानी है, एक तो ये प्रचलित है कि उस समय से लेके अब तक नवरात्र जो हैं वो मनाए जाते हैं। एक कहानी और प्रचलित है, क्योंकि आपको पता है कि 10वें दिन दशहरा होता है, तो राम भगवान का जब रावण से युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ था, जो श्री राम थे उन्होंने 9 दिन तक देवी माँ को, जो चंडी माँ है उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा था और उनका पूजा पाठ किया था। वो जो पूजा पाठ किया था उसके बाद 10वें दिन वो रावण को मार के उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो कहा जाता है कि 9 दिन तक जो राम भगवान ने
माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी, उसी के कारण तभी से ये जो नौ रात हैं इसमें पूजा पाठ किया जाता है, माता को प्रसन्न किया जाता है। तो ये दोनों ही कहानियां हैं जो कि प्रचलित हैं और दोनों ही नौ दिन से संबंधित है, इसीलिए नौ दिन तक जो है आपने देखा होगा कि हमारे देश में तो स्पेशली व्रत किए जाते हैं, कई सारे जो माता हैं उनकी बहुत देर तक पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान कराए जाते हैं, शाम के टाइम पे गरबे होते हैं, लोग नाचते झूमते हैं, ये सब तो होता ही है। अब हम थोड़ी सी बात में ये करना चाहूँगी कि देखिए ओवरऑल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब महिषासुर और देवी माँ दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो कितने सारे देवता थे परंतु वो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए एक नारी के महत्व को देखिए, राम श्री जो श्री राम खुद भगवान होने के बाद भी माता की पूजा कर रहे हैं, चंडी माँ की पूजा कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक नारी में कितनी शक्ति होती है कि वो देवताओं से भी ऊपर है। तो हम कई बार देखते हैं, और ये नारी की ही बात है, देखिए नारी अगर ठान लेती है तो वो करके ही रहती है। तो कई जगह हम देखते हैं कि नारियों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, स्पेशली अपनी कंट्री में। तो मैंने हाल ही में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को 1.5 साल से ज़्यादातर बाथरूम में बंद रखा, और बस जितना ज़रूरत हो उतना उसको खाना दिया जाता था, और बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकलवाया गया। तो देखिए ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं महिलाओं को। तो आप बताइए जो सतयुग था ये इसीलिए कलयुग हो गया है, इसको हम अगर वापस से उसी कंडीशन में लाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी नारी हैं, केवल अपने घर की ही नहीं, देखिए आप घर में देखिए अपनी माँ हो गई, बेटी हो गई, बहन हो गई, सभी आपके लिए कितनी समर्पित रहती हैं। अगर वो एक दिन आपके घर पे ना हो तो आपका जीवन जो है वो उथल पुथल हो जाता है। अगर खुद भी आप देख रही हो, अगर कोई बेटी माँ बहन कोई ये देख रही हो वीडियो, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए कि एक नारी जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या रोको, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कई सारे जो आपने देखा होंगे कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, परंतु ये सही मायने में जब सफल होंगे, जब आप स्वयं जो महिलाएं हैं वो स्वयं का सम्मान जो है वो देखें कि मुझे आदर मिलना चाहिए, और जितने भी पुरुष हैं वो उसी तरीके से जिस तरीके से ये नौ दिन में माताओं को पूजते हैं उसी तरीके से देश की क्यों विश्व की जितनी भी नारी हैं जितनी भी वुमन हैं सभी का सम्मान करें, क्योंकि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो दोस्तों के साथ में मैं विराम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको समझ में आया कि क्यों मनाया जाता है नवरात्र पर्व, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।